तो फ्रेंड्स चलिए मैं आज आप सभी को कुछ अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं ये भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। सोचा कि आपको भी एक बार दिखा दूँ कि ये जो दोस्त आप खेत देख पा रहे हैं, ये आलू का खेत है, पोटैटो का। तो यहाँ पे मेरा भी दो ज़मीन है, और ये जो ज़मीन है ये भी मेरा है, और उस साइड का जो है वहाँ पे भी वो भी मेरा है। और उस साइड में वहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे कि मेरा मेडिसिन देने का काम चल रहा है, तो मुझे एक बार खेत आना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं दोस्त कि मुझे कुछ भी काम करने में मुझे कुछ परेशानी नहीं आता, कुछ भी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे एक बार आपको दिखा दूँ, वो मेरा गांव है। तो और यहाँ पे एक बार आपको ये भी दिखा दूँ कि मेरा दो शेड है, यहाँ पे एक तो शेड है और वहाँ पे एक तो शेड है। मतलब मेरा फार्म के आसपास ही ये जो ज़मीन है मेरा है। तो आज आप सभी को ये भी दिखाऊंगा कि आलू कैसे इसमें निकलता है। ये आलू का जो खेत है, इसमें 3 महीने का टाइम लगता है। अभी तो हुआ है, जस्ट 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलिए एक बार आपको पहले आलू इसमें हुआ है कि नहीं एक बार पहले दिखा देता हूँ इसको। थोड़ा सा देखता हूँ इसमें हुआ है कि नहीं। ये देखिए व्हाइट कलर का, आप देख पा रहे हैं ये देखिए, अभी छोटा छोटा हुआ है, अभी उतना बड़ा भी नहीं हुआ। तो ये जैसे जैसे टाइम इसमें बीतेगा खेत में आलू का, तो ये आलू भी थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा। और ये जो खेत देख पा रहे हैं, ये भी मेरा है और ये भी मेरा है, और ये मेरा बंदा और वहाँ पे मेडिसिन दे रहा है। तो सोचा कि एक बार खेत में होके आए और आप सभी को भी एक बार दिखा दूँ कि मैं ये भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसा मतलब वहाँ पे एक छोटा है जहाँ पे अभी मेडिसिन देने का काम चल रहा है। तो आलू जैसे कि अभी ऐसा हुआ ना, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब लगभग 100-150 तक ये हो जाता है। तो उसके बाद ही हम इसको तोड़ेंगे खेत को, और आलू निकल के बेच देंगे। और मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा पानी वानी देता रहता हूँ कभी कभार। तो मतलब मुझे कोई भी काम करने में कुछ परेशानी नहीं आता, कि बहुत सारे समझता है कि ऐसा करेंगे तो कुछ रिस्पेक्ट का बात आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पे ऐसा मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है कि ये सब करने में मुझे कोई दिक्कत है। यहाँ पे मेरा बंदा मेडिसिन दे रहा है, मेडिसिन मतलब थोड़ा सा डिजीज आ गया इसमें, तो उसके लिए ये मेडिसिन चल रहा है। ये भी मेरा है, ये बहुत छोटा है। तो सोचा कि आप सभी को एक बार मेरा खेत भी एक बार दिखा दूँ। वहाँ पे कुछ लोग मेडिसिन देने का काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो स्प्रे कर रहा है। एक्चुअली आलू में जैसे जैसे कोहरा आता है ना, तो थोड़ा सा डिजीज आ जाता है, इसके चलते बहुत स्प्रे करना पड़ता है, मेडिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि ब्रॉयलर में है वो ऐसा ही सेम ही है, मतलब आपको देख के करना होगा, वरना इसमें भी आप मतलब सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, वहाँ पे चल रहा है, दूर में 2-4 चल रहे हैं। मतलब अभी मशीन लेके जा रहा है, स्प्रे मशीन लेके जा रहा है, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा हो रहा है। तो दोस्त आपने देख लिया कि मेरा ये भी थोड़ा सा काम है। तो दोस्त इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जाके हर किसी को पता चले कि ऐसा भी कुछ सिचुएशन है।